सुन ही नहीं रहे बात, हमारी बात सुनिए ना पहले, बात मत कीजिए। मैं गलत बात कहां कर रहा हूं? रोचिया साहब, ये नहीं कि बात को, बिट्टा कभी गलत बात नहीं करता। आप चलते हैं ऐसे, बिट्टा कभी मर जाएगा, कट जाएगा अपने विचारों से। एक बात स्पष्ट मेरी सुन लीजिए, मैंने फैसला होने से एक दिन पहले कह दिया था, ऐसी को बहस कर रहा था, ठोक ठोक के कहा ये 370 तो नहीं 35 हटेगी, और तीसरे दिन ये फैसला आया। मेरा कोई सरकार में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और मेरा जो अगला अनुभव है, दिल्ली से बढ़िया, दिल्ली तो कुछ भी नहीं, कश्मीर सबसे बढ़िया होगा। नहीं नहीं बेटा साहब, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, सवाल मेरा बड़ा सीधा है, सवाल बड़ा सीधा है, गिलानी, यासिन मलिक और तीसरा नाम मैंने आपको लिया, बिट्टा कराटे, तीनों पर फिर से जेनोसाइड का केस चलना चाहिए। सीधा सवाल। अरे ये बड़ी छोटी बात कर रहे हैं उनके खिलाफ। क्या ये छोटी बात है, मुझे बताइए। अरे नहीं, अरे अरे कुछ बात तो सुनो, बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सुन ही नहीं रहे बात, हमारी बात सुनिए ना पहले। अरे ये छोटी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात होगी। आपने कहा छोटी बात है, छोटी बात मैंने नहीं कहा, आपने कहा छोटी बात है, छोटी बात ये नहीं करा, आप सुन ही नहीं रहे। और जितने भी पुराने लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, जो ने सुन रहे थे, फिर एकदम थोड़ा बदल देंगे आप। नहीं, मैं थोड़ा थोड़ी बदल, मेरी बात जो कहेंगे उस पर रिएक्शन लूंगा। गलत बात मत कीजिए, मैं गलत बात कहां कर रहा हूं? रोचिया साहब बात सुनिए, क्या आप थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, बेहतर होगा। नहीं, अरे आप जैसे कहेंगे मैं ऐसे बोलूंगा। और मैं जितना सभ्य एंकरिंग करने में, मेरे जैसे सभ्य एंकर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। बात सुनिए चुरचिया साहब, ये नहीं कि बात को, बिट्टा कभी गलत बात नहीं करता। ये जो तीनों की बात की, हजारों हजारों और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो एनएसजी लेके घूमते हैं, महबूबा मुफ्ती और जितने भी है जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सब जेलों में जाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। मेरे ये कहने का मतलब है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बात सुनी नहीं आपने, आप चलते हैं ऐसे, बिट्टा कभी मर जाएगा, कट जाएगा अपने विचारों से। मैंने तो आपसे बड़ा पूछा था, आप बदल सकते हैं, बिट्टा नहीं बदल सकता। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या यासीन मलिक नहीं, जो आप कहेंगे मैं बोलूंगा, मैं उसको अपने तरीके से बोलूंगा। आप बोलिए ना अपने तरीके से, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। भाई पत्रकार का काम सवाल पूछना होता है, क्या मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं, आप बता दीजिए। मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं, बता दीजिए। मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं, ये बता दीजिए। पूछो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूरा तो सुनेंगे, पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम लो ना, महबूबा मुफ्ती का भी नाम लो ना, तीसरी बार यही सवाल, जिन्होंने आतंकवादियों का चेक मारे, जिन्होंने आतंकवादी तैयार किए, जिन्होंने बंदूक पकड़ने वाले को अपने सीने पे लगाया, कराटे, यासीन मलिक और गिलानी जैसे लोग जिन्होंने जेनोसाइड किया, उन पर फिर से मुकदमा चलना चाहिए नहीं? वो तो तीन किनारे, हजारों में किनारा हूँ, तीनों को करके खत्म क्यों करना चाहते हैं आप? जो इनके सिपा सलार थे, बड़े पावरफुल थे, वो भी जेल में जाएंगे, रुक तो जाओ एक साल, कहां बैठे हैं आप तीनों को अगर खत्म करना चाहते बात में। सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं सिख हूं तो मैं सिख की बात करूंगा, हिंदू हो तो हिंदू की बात करूंगा, मुसलमान में हो तो मुसलमान की बात करूंगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या, और ये मेरे भाई साहब इनको कहना चाहिए कि भैया जो वहां हुआ है वो गलत हुआ, 370 धारा हटी, हम उसको सल्यूट करते हैं, काम खत्म करो, अपन क्यों इन चक्करों में पड़े, वो ये रह रहा है, वो नहीं रह रहा, नहीं रह रहा तो नहीं रह रहा, इनसे जा रहा किनको पता है क्या, मैं मेरी बहन से जा रहा किसी को पता है क्या, क्या मेरे से जा रहा, मैं भी जम्मू जाता हूँ, परिवारों को मिलता हूँ, हमसे दिल्ली में मिलते हैं, कहाँ से आगे दिल्ली में इतने सारे, वहां से निकाले तभी आए, वहां से निकाले तभी जम्मू में आए। आप ये चीजें जितनी देर तक हम समाप्त नहीं करेंगे कि हम सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, उतनी देर तक कुछ होने वाला नहीं। मेरे से पूछो मेरा धर्म क्या, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, मैं बाद में सीखूं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी ये है, अगर अफजल है तो अफजल के लिए सारे खड़े हो जाएंगे, मेहमान है तो मेहमान के लिए सारे खड़े हो जाएंगे, अरे कोई इन बेचारे बेसहारों के लिए भी कोई हमारा मुसलमान भाई हमारी तरह कुछ सिखों की तरह आके खड़ा होगा? अगर खड़ा होगा तो तभी तो लोग हमारे पे विश्वास करेंगे, हम अपना विश्वास नहीं जमा पाते, हमें तो बंदे मातरम कहने में तकलीफ होती है, हमें तो तिरंगा झंडा उठाने में तकलीफ होती है। ठीक है।